हर देश की कला और संस्कृति अलग होती है और विश्व का हर देश दूसरे देशों की संस्कृति को जानना चाहता है। कला और संस्कृति के माध्यम से दूसरे देशों के लोगों को जोड़ने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में ICMEI और एशियन यूनिटी अलायंस ने एसोसिएशन फॉर एशिया पैसिफिक यूनियन के सहयोग से एशियाई प्रशांत देशों के बीच एकता के लिए मीडिया, संस्कृति और पर्यटन की भूमिका पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संदीप मारवा अध्यक्ष ICMEI और एशियन यूनिटी अलायंस, JS सलूजा अध्यक्ष AAPU, डॉक्टर सुभाष गोयल ASTIC ट्रैवल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कौशिक घोष बॉलीवुड शो डायरेक्टर, अश्विनी मेहरा मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में डॉक्टर संदीप मारवा की उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गई जो उनके 9 विश्व रिकॉर्ड में शामिल है, जिससे उपस्थित लोगों को प्रेरणा मिली। संदीप मारवा अध्यक्ष ICMEI और एशियन यूनिटी अलायंस ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, पिछले कुछ वर्षों में हम एशिया के अधिकांश देशों के साथ एक अद्भुत संबंध बनाने में सक्षम हुए हैं और विश्व के लोगों को अपने संबंधों को दिखाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। हमने हमेशा माना है कि कला और संस्कृति दो देशों के लोगों को एक साथ ला सकती है और उन्हें अपने देशों की सीमाओं को भूलने के लिए मजबूर कर सकती है। आपको बता दें कि एशियन यूनिटी अलायंस का आकार लगातार बढ़ ही रहा है, जिसका उद्देश्य विश्व में कला और संस्कृति के माध्यम से प्यार, शांति और एकता लाना है। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने एशियाई देशों के बीच एकता लाने के लिए अपने विचारों को साझा किया। कॉन्फ्रेंस के अंत में भावी सहयोग के लिए सराहना और प्रोत्साहन के रूप में सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर संदीप मारवा की हालिया पुस्तक मोदी सरकार के 8 साल और एशियन यूनिटी अलायंस सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। एशियन यूनिटी अलायंस हम लोगों ने 30 साल पहले बनाई थी और हमारा पर्पस यही था कि जो एशियन की 54 कंट्रीज हैं उनको किस तरीके से जोड़ा जाए। हम लोग हर अपने कार्यक्रम के जरिए दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। और पहले दुनिया की बात करने से पहले जरूरी है कि हम लोग पहले एशियन कंट्रीज को जोड़ लें, वो बेहतर रहेगा। और हम, मेरे को ये खुशी है कहते हुए कि हम लोगों ने तकरीबन 25 से भी ज़्यादा मुल्कों के साथ संबंध जोड़ा है, MOU साइन किए हैं। हम लोग उनके साथ फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, एनिमेशन, फिर उसके बाद टूरिज्म, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट जैसे मुद्दों के ऊपर चर्चा आम तौर पे करते रहते हैं। आज एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक यूनियन के साथ मिलकर हम लोगों ने फिर से एक कार्यक्रम रचा जिसमें एशियन यूनिटी अलायंस ने अपने उन तमाम मुद्दों को फिर से एक बार मंच पे लाने की कोशिश की है, जहां पर 60-70 से भी ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, जो अलग अलग विभिन्न पेशे से हैं, बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग प्रोफेशन से हैं, अलग अलग बिजनेस से हैं। तो उनकी सोच को मैं सुनना चाहता था और यही, ऐसे कार्यक्रमों के जरिए हम लोगों को बहुत सारे ऐसे नए पॉइंट मिल जाते हैं जिनके ऊपर काम करने के हमें संदेश मिल जाता है, एक नया मुद्दा पैदा हो जाता है आगे बढ़ने का। सर, आज का जो कार्यक्रम था, रोल ऑफ मीडिया, कल्चर एंड टूरिज्म, इसके विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मेजर जनरल राजन कोचर, इंडियन आर्मी में 37 साल की सर्विस के बाद, ये जो पैसिफिक और इंडियन ओशन का जो रीजन है, अप्रॉक्सीमेटली 40 कंट्रीज हैं आज जो में है, और ये जो मारवा स्टूडियोज का इनिशिएटिव है जिसमें कल्चर, मीडिया और टूरिज्म को इकट्ठा करके हम पूरे इंडो पैसिफिक और एशिया में ये मैसेज ऑफ यूनिटी, मैसेज ऑफ पीस, बिकॉज आज आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है, आज आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है। तो एक ये जो इनिशिएटिव जो मारवा स्टूडियोज ने लिया है, मैं ये इसको एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव मानता हूँ, और स्पेशली ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमारे देश का, जिसमें मैरिटाइम जो
ओशन के थ्रू, पानी के थ्रू जो कनेक्टिविटी हम लेना चाहते हैं वो हम इसको ले पाएंगे। पहले तो मैं मरवा साहब का और एशिया पैसिफिक यूनियन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे मौका मिला। आज का सब्जेक्ट जो विषय है वो है एशिया पैसिफिक यूनियन, टूरिज्म कल्चर से कैसे हम पीस और यूनिटी वगैरह बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्योंकि आज दुनिया में लड़ाई का माहौल है। यूक्रेन में पूरी यूरोप, अमेरिका एक तरफ है, रशिया चाइना एक तरफ है और ये एक वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो दूसरा हॉट पॉइंट है वो है एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है और इसी तरीके से बाकी भी जगह कब्जा करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज का मरवा स्टूडियो में मरवा साहब ने आयोजन करा, ये बहुत ही हिस्टोरिकल ओकेजन है और हम सारे लोग मिलके कैसे एशिया पैसिफिक रीजन में पीस थ्रू कल्चर, थ्रू फिल्म्स, थ्रू टूरिज्म हम कर सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। आई एम यस सलूजा, एक्चुअली आई एम रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर फ्रॉम स्टील अथॉरिटी, देन आई एम वर्किंग एज एसआर स्टील एंडोरेशन जॉइंट वेंचर एज आल्सो एज मेन डायरेक्टर। आई जॉइनिंग एयू केम इनटू अबाउट 20 इयर्स बैक व्हेन मिस्टर बीपी अग्रवाल वाज द प्रेसिडेंट। अनफॉर्चुनेटली ही सिलेक्टेड मी फॉर गोइंग टू व्लादिवोस्तोक। About the Asian Union, yeah, Asian Union. In fact, you see that the idea started during time of Mahatma Gandhi, March 1947. First time about 28 countries, Asian countries, and about 20 European and other countries came to India. And old Lal Kala, there was a meeting that we must unite. Now we have been oppressed by foreign rulers. Now we should have our own union. 2nd April, they declared as a Asian Unity Day. Unfortunately. China then slipped out. They started SCO, Shanghai Cooperation Organization, and they said, "No, we don't want to become part of this." मेरा नाम विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी है। मैं एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक यूनियन का फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और मैं मारवा स्टूडियो बहुत बार आया हूँ और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं आपके मारवा साहब के प्रोग्राम में भाग लेता हूँ और बहुत कुछ सीख के जाता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम जो इसकी बात आप पूछ रहे हैं वो ये बताने की, ये हम आज चिंतन करने की कोशिश कर रहे थे कि मीडिया टूरिज्म मिलके कल्चर मिलके हमारे देशों को एक साथ, जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम का जो चित्र है वो अच्छी तरह खींच सकते हैं और सब कंट्रीज को इकट्ठा ला सकते हैं। First of all, I would like to thank Sandeep Babaji for inviting me here, and who's an inspiration and a mentor for me. And I'm Madhuri Advani. I'm a global luxury consultant, and I'm into visibility, recognition, awareness of my clients through various ways. LuxuryCo.biz is also into bespoke events where we invite niche clientele, and it has been lovely being here today. Because I consult on all these segments which have been discussed here today, art, culture, travel, tourism. So basically because there are so many other segments that I also deal with, but because specifically today we are talking about travel, culture, art, media. So I would I bridge a gap between my clients, and it's a request that they're doing amazing job. They are the gems from the country. So there are media coaching that the clients provide, and anybody who wants a good job in media, once they do the course, they get a job. Hi, I'm Kaushik Ghosh, and I'm one of India's leading Bollywood show director. I always feel that Sandeep Marwah is a great statesman, and he's been doing a great job. I have directed almost 3,000 shows all over the world. I work with a lot of Bollywood stars, supermodel, Miss Indias. I'm also the only Indian show director to have a national fashion week. I had a fashion week also in Marwah Studio, October called India Style Fashion Week. And I think ये जो आज हम लोग का seminar था, this is all about making relationship with your Asia Pacific country. And I personally feel that as a statesman, we all come from different profession.
and I think we should always come forward and we should contribute our bits. आज का जो ये कार्यक्रम का है इसमें इतने लोगों ने अपनी अपनी बातें कही है और यूनिटी पे बात हो रही है कि और कल्चर के बाद बात हो रही है और सबके जो व्यूज़ निकले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कहता हूँ इतने लोगों में इतना चेंजेस लेके आने में सपोर्ट करेगी और ये जो मीडिया के थ्रू सभी जगह फैलेगी तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा चेंजेस लाने में एक मील को पत्थर को दूर करने में सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के प्रोग्राम होते रहें और उस पर हम बातें करने से भी साथ साथ हमारे एप्लीकेबल भी होती है। बातें जब करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ की प्रोग्रेस की बातें होती है तो मुझे लगता है कि ये रियली द ग्रेट मतलब लोगों को इतने लोगों को बुलाना उनको इकट्ठा करना वरना आज के पास किसी के समय नहीं होता लेकिन फिर भी इतने लोग आए बैठे बातचीत करी चर्चा करी और सबने अपनी जो व्यूज़ होते हैं अपने बेस्ट ऑफ द व्यूज़ दिए हैं सबने और ये व्यूज़ एक मीडिया में आना मीडिया में रिकॉर्ड होना और उसके बाद में इसको एनालिसिस करना जैसे संदीप मारवा जी ने कहा कि वी हैव टू एनालाइज ऑल दिस थिंग एंड उनको सब जगह फैलाएंगे तो इट्स गुड। आशुतोष एंड आई एम अ मेंबर ऑफ अपो। दिस वाज अ वंडरफुल इवेंट एंड एज डॉक्टर मरवा हैज बीन अ पायनियर एंड ही हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड आल्सो टुवर्ड्स द मीडिया। सो व्हाट आई हैव सजेस्टेड इज दैट द यंगस्टर्स दे आर द lifeline of the nation, so we must bring those youngsters to travel across all the Asian countries, make some sort of a curriculum, make include it in the education system so that we have these people traveling all over. They are our ambassador, they will make us proud. Thank you.